तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिकग्नाइजेशन इंसेंटिव ये क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये कैसे दिया जाता है। रिकग्नाइजेशन मींस गिविंग द क्रेडिट ऑफ द जॉब टू द डिजर्विंग पर्सन। रिकग्नाइजेशन विल नॉट ओनली एनकरेज देम टू रिपीट देयर बिहेवियर बट will also help other employees to be in the same place। दोस्तों, recognition ये एक appreciation आप बोल सकते हो या credit बोल सकते हो, जिस बंदे ने काम किया उसको आपने पहचाना, उसका जो job है वो आपने deserving person उसको घोषित कर दिया, उसको बताया कि ये recognition है, ये आपने काम किया है, आप deserving person है। Recognition will not only encourage them to repeat their behavior, but will also help other employees to be in the same place। दोस्तों, अगर आप किसी को सबके सामने recognize करते हो, उसके काम को सराहते हो, तो उसका दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने काम में और आपको result दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसको बार बार recognition मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और इसको देख के भी जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज में, उनकी भी इच्छा होती है कि उनकी भी सराह हो, उनको भी रिकग्नाइजेशन मिले, रिकग्नाइजेशन इंसेंटिव मिले। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों, किसी को खुश करने का, उनको अप्रिशिएट करने का, उनको रिकग्नाइजेशन देने का सबके सामने। दूसरा इंसेंटिव है दोस्तों, फेयर ट्रीटमेंट इंसेंटिव। एम्प्लॉयज़ वर्क हार्ड when they are treated fairly। This type of incentive works for employees who believe in performing their duties efficiently and return expecting fair treatment from the organization। दोस्तों, employees जो होते हैं वो बहुत सारे जान लगा के काम करते हैं, ठीक है, तो उनको वो उनकी उम्मीद होती है कि जो भी कंपनी में उनसे बात करे वो फेयरली बात करे, जेंटलमैन की तरह बात करे। दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव वर्क्स फॉर एम्प्लॉयज़ हु बिलीव इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ इफ़िशेंटली। ये जो ड्यूटीज़ अपनी 100% जिम्मेदारी से निभाते हैं, वो इन रिटर्न में सामने ऑर्गेनाइजेशन यही चाहते हैं कि उनको फेयरली ट्रीटमेंट मिला जाए। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हाइक, जॉब प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी टू अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, यही वो चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, उसको प्रमोशन मिले, उसके थोड़े तरक्की जो है टाइम पे होती जावे और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती जाए उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज लूज देयर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर मिसट्रीटेड। देयरफॉर इफ यू वॉन्ट to keep your hardworking and honest employees, then following fair treatment is must for you। ठीक है दोस्तों, अगर उसको आप fair treatment नहीं देते हैं तो employees जो है आपका जो trust है वो कहीं ना कहीं mistreated हो जाता है, और जो वो hard working है, therefore if you want to keep your hardworking and honest employees, then following fair treatment is must for you। तो दोस्तों, अगर आपके एम्प्लॉयज़ को अगर आप उसको हॉनेस्ट एम्प्लॉयज़ को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं इसकी फेयर ट्रीटमेंट की, तो आप कहीं ना कहीं इसको खोने की तकलीफ आपको हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इंसेंटिव बता दिए हैं, रिकग्नाइजेशन इंसेंटिव एंड फेयर ट्रीटमेंट इंसेंटिव। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।